गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल हैं? अच्छे हो? चलिए, आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट सी कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा फेयर कॉपी में। तो फर्स्ट सी के अंदर हम देखेंगे आज क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इस एक्सरसाइज में हम रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये सीखेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जैसे ए अपॉन बी कुछ भी ले लो, 1/2 है ना, प्लस 3/5, आप इसको अगर ऐड करोगे ना तो ऐड करने पर हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसे ऐड करोगे 1/2 प्लस 3/5, इसका एलसीएम कितना होगा बेटा? 2 और 5 का एलसीएम 10, 10 आ गया एलसीएम। अब 10 एलसीएम का मतलब हो गया 2 से 10 कितनी बार कटा? 5 बार, 5 बन जा 5। 5 से 10 कितनी बार कटा? 2 बार, 2 3 जा 6, 5 6 कितना? 11/10। इस तरीके से इसको हमने ऐड कर दिया, सिंपल। उसके बाद सेकंड लॉ है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में क्या होता है? ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। मतलब 2/3 प्लस 3/4 जोड़ो, फिर इसे उल्टा करके जोड़ो। पहले 3/4 लिखो, फिर 2/3 लिखो, तो ये दोनों कैसे होंगे बेटा? सेम होंगे। एलसीएम लोगे तो दोनों कैसे होंगे? ये सेम होंगे। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 फ्रैक्शंस चाहिए। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी अंदर, ई अपॉन एफ बाहर। फिर ए अपॉन बी को बाहर कर दो और सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ को अंदर कर दो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये दोनों का टोटल जो होगा ना, ये दोनों साइड जो होंगी, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड, दोनों कैसी होंगी बेटा? सेम होंगी। एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? ए अपॉन बी में अगर आप 0 ऐड करोगे ना, या 0 को आप ए अपॉन बी में ऐड करोगे तो ए अपॉन बी ही रहेगा, क्योंकि 1/2 प्लस 0, 0 का कोई भी रोल नहीं होता, इसलिए 1/2 ही रहेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है समझ लो। देखो, ए अपॉन बी प्लस माइनस ए अपॉन बी, तो ये कटके क्या हो जाएगा? 0। एडिटिव इनवर्स का मतलब है जैसे आपका 5/4 है, इसका एडिटिव इनवर्स पूछा तो ये क्या हो जाएगा? -5/4। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है उसका साइन चेंज कर दो बस। ठीक है, अब यहां से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट सी, ये प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इन सबको हमें ऐड करना है, सिंपल ऐड करना। और भी पार्ट है, मैंने छोड़ दिए हैं, 2-3 पार्ट लिए। देखो, फर्स्ट पार्ट -2/4 प्लस 4/5, इसको हमें ऐड करना है। तो 5 एलसीएम आ गया। 5 एलसीएम आने के बाद देखो, 5 से 5 कटेगा 1 बार, तो ये 1 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो -2 ही आएगा। फिर 5 से 5 कटेगा 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई करेगा तो 4 ही आएगा। तो दोनों में जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होता है। तो -2 प्लस 4 कितना हो गया? 2/5। ऐसी सेम -6/11 प्लस माइनस माइनस, यानी -4/11, दोनों में एलसीएम कैसा है? सेम, ऊपर चेंजेस नहीं होगा, यानी -10/11। सिमिलरली -11/8 प्लस 5/8, दोनों में एलसीएम 8, ऊपर चेंजेस नहीं होगा। -11 प्लस 5 -6/8, 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी -3/4। समझ गए बेटा। फिर है एट द फॉलोइंग रीजनल नंबर्स, ऐसे इनको भी ऐड करना है, 3/4 एंड -3/5। इसमें क्या चेंजेस है? इसके जो नीचे के डिनोमिनेटर है ना, वो अलग अलग है। डिनोमिनेटर कैसे हैं? अलग अलग। तो 3/4 प्लस -3/5 प्लस माइनस क्या हो गया? -3/4 -3/5, दोनों का एलसीएम लो, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, यानी 3/20। ऐसे ही इधर देखो, 5/8 प्लस -7/12, दोनों का एलसीएम ले लो। पहले इसको सही कर लो, प्लस माइनस माइनस, अब 12 और 8 का एलसीएम 24 हो गया। 8 से 24 3 times 3 5 जो 15, 12 से 24 2 times 2 7 जो 14, 15 minus 14 1/24। क्लियर है बेटा? क्लियर है। चलो, अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई मतलब ये एलएचएस वाला हिस्सा है, आरएचएस वाला हिस्सा है। 2 पार्ट लिए मैंने, बाकी का आप ले लेना। रेस्ट मैं जब लिख देता हूँ, रेस्ट पार्ट डू योर सेल्फ, तो बाकी के पार्ट अपने आप सॉल्व करने। ये एलएचएस और आरएचएस है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया एलएचएस, -12/5 प्लस 2/7, सिंपल एलसीएम ले लो, 5 7 जो 35, 7 का 12 मल्टीप्लाई करो -84, 5 2 जो 10, इसमें से माइनस करो -74/35। अब आरएचएस भी अगर -74/35 आया तो ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, 2/7 प्लस माइनस -12/5 मल्टीप्लाई करो एलसीएम लो 35, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो,
तो ये हो जाएगा 10-84 यानी -74/35 LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को करना है बेटा। ये LHS है, ठीक है, ये वाला LHS है और ये RHS है, दोनों को सॉल्व करके LCM लेके इक्वल दिखा दो, कर लोगे? गुड, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इनको भी वेरीफाई करना है भैया। अब देखो यहाँ LHS थोड़ा बड़ा है, RHS ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम। 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10, मैंने यहाँ LHS ले लिया है और इधर की साइड RHS है, तो 3/4 प्लस -2/5 और प्लस -7/10, इनका LCM लिया 4, 5 20, 5, 3 15, 4, 2 8 अंतर, ये एज इट इज चल रहा है, ठीक है। 15 में से 8 गया तो इतना बचा 7, 7/20, और जब माइनस के 7/10, दोनों का LCM कितना आ गया 20, 20 से 20 कैंसिल यानी ये 7 जाएगा, 10 से 20 2 times 2, 7 14, 14-7 यानी -7/20, ये आया है इसका LHS, यानी RHS भी यही आएगा। 3/4 ऐसे ही रहेगा, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, माइनस इसका LCM 5 into 10, 50, इसका इधर क्रॉस करके LCM लेके -55/50। अब 5 से काटो, ये 5 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा, और 5 से ये कितनी बार कटेगा बेटा, 5 से ये 10 बार कटेगा, है ना। 3/4 प्लस -11/10, अब इसका वो ले लो, इसका आ जाएगा 20, फिर क्रॉस मल्टी 20 आ जाएगा LCM, 4 से 20 5 बार, 5, 3 15, 10 से 20 2 times 2 into 22, 15-22 -7/22, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर बेटा? गुड, वेरी गुड। तो फिल इन द ब्लैंक्स थे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स में बता चुका हूँ, चेंज द साइन ओनली। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3, दैट मींस -1/3। एडिटिव इनवर्स ऑफ 23/9, माइनस लगा दो इसमें, -18 है पॉजिटिव कर दो, 0 0 रहता है, माइनस माइनस पहले हटाओ, 8/7 पॉजिटिव है, अब इसको नेगेटिव कर दो। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन था, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3, फ्रॉम का मतलब होता है 1/3 में से, इसको माइनस कर दो, 1/3 -3/4 टेकिंग LCM 3, 4 12, देन 4 1 4, 3 3 9, 4 9, 5 -5/12, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है 1/3 माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये प्लस करना पड़ गया, ऐड कर दो इसको, ऐसे ही इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, कर लोगे? बाकी का होमवर्क है, ये आपने कर लिया होगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं इसके, देखो आगे के क्वेश्चन इसके इस तरीके से हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, यूजिंग द रीअरेंज प्रॉपर्टी ऑफ फाइंड द सम। अच्छा, रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट ये होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। रीअरेंजमेंट का मतलब बेटा ये होता है कि जिनके एक जैसे डिनोमिनेटर हैं या जिनके डिनोमिनेटर एक से कट सकते हैं, मतलब आपस में कट सकते हैं, उनको पास पास लिख लो। जैसे 4/3 और -2/3 इनको एक ब्रैकेट में लिखो, फिर 3/5 -11/5 इनको एक ब्रैकेट में लिखो। इनका LCM ईजी हो गया, 3 3 LCM, 4 2 नो चेंजेस। इनका LCM ईजी हो गया, 3 11 नो प्रॉब्लम, 4 2 2/3, 3 11 -8/5। अब 3 और 5 का LCM ले लो, 3 और 5 का LCM 15 होता है, 5 2 10, 3 8 3 5 3 15, तो यहाँ पर इसका LCM लोगे तो 5 3 15 हो गया, तो 5 2 15, 3 से 15 5, तो 5 2 10, और 5 से 15 3 times, तो 3 8 ये तो 24 होगा बेटा, कितना होगा ये 24 होगा, मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेना, क्योंकि 3 8 कितना हो गया 24। अब 24 में से 10 गया तो -14/15, सही कर लेना इसको, ठीक है ना, क्लियर है ना ये। 8 3 कितना होता है 24, इसको थोड़ा सही कर लेना, समझ में आया। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सिमिलर है, -8/3 प्लस -1/4 -11/6 प्लस 3/8, यानी -8/3। अब देखो 3 और 6 डिनोमिनेटर ऐसे है ना, आसानी से LCM ले सकते हैं, बस LCM इजी बनाने के लिए इनको पास पास लिखा जाता है और कुछ नहीं है। तो -1/4 प्लस 3/8, अब यहाँ पर 6 LCM आ गया, 3 से 6 2 times, तो 2 8 16, और 6 तो ये -11 ही रहेगा,
फोर से एट टू टाइम्स, तो टू वन जो टू, एट से एट तो ये थ्री ही रहेगा, माइनस 16 और माइनस 11 माइनस 27, थ्री माइनस टू वन अपॉन एट, फिर इनके एलसीएम पहले से थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो, तो माइनस के 9 अपॉन टू, थ्री नाइन जो 27, थ्री टू जो 6, अब इनका एलसीएम 2 और 8 का 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 4 जा 4 9 जा 36, 8 8 माइनस, ये सही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, सिंपल है, वेरी सिंपल। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस 2, इफ वन ऑफ द नंबर इज माइनस 14 अपॉन 5, फाइंड द अदर नंबर। ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स। ठीक है, ये कह रहा है दो नंबर को एड करने पर हमें माइनस 2 मिलता है, तो पहला नंबर है हमारा एक्स प्लस माइनस, दूसरा नंबर है हमारा माइनस 14 अपॉन 5। माइनस 14 अपॉन 5 में अगर आप एक नंबर ऐड करते हो एक्स, तो आप माइनस 2 आपको मिलता है, ये मतलब है इसका। तो एक्स प्लस माइनस ये हो गया आपका एक्स, एक्स एक्स प्लस माइनस माइनस 14 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 2। अब माइनस 14 अपॉन 5 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 14 अपॉन 5, एलसीएम ले लो 5 पंजा 5, और ये माइनस 10 प्लस 14, और जो आंसर आ जाएगा आपका 4 अपॉन 5, ये आपका अदर नंबर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही था, इसलिए मैंने छोड़ दिया होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 डू योर सेल्फ। फिर आया क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस 5 अपॉन 8 सो गेट माइनस 3 अपॉन 2। देखो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एडेड बी एक्स, एक्स मान लिया वो नंबर, आप क्या करोगे एक्स में ऐड करोगे माइनस 5 अपॉन 8 और इक्वल टू में रखोगे माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, सॉल्व कर लो प्लस माइनस माइनस, तो एक्स माइनस 5 अपॉन 8 माइनस 2 अपॉन 3, माइनस 5 अपॉन 8 को आप उधर ले जाओ तो प्लस 5 अपॉन 8, एलसीएम ले लो 8 एलसीएम आ गया, 2 से 8 4 टाइम्स 4 3 जाए 12, 8 से 8 1 टाइम्स यानी 5, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 अपॉन 8। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, तो डू योर सेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फॉर माइनस 2 अपॉन 3 टू गेट माइनस 1 अपॉन 6। अब ये सब्ट्रैक्ट वाला नंबर है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, यानी माइनस 2 अपॉन 3 में से, अब माइनस 2 अपॉन 3 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन 6 मिलेगा, सॉरी माइनस 2 अपॉन 3 में से अगर एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1 अपॉन 6 मिलेगा। लिख दिया देखो, माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो गया, आता है ना ट्रांसफर करना इधर उधर, माइनस एक्स उधर चला गया पॉजिटिव हो गया, माइनस 1 अपॉन 6 इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया 1 अपॉन 6, टेकिंग एलसीएम 6, 3 से 6 2 टाइम्स 2 जा 4, 6 1 जा 6 दैट मींस 1, माइनस 4 1 मतलब माइनस के 3 अपॉन 6, फिर काट लो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस 1 अपॉन, ये 14 में ये ट्रू फॉल्स थे 0 यस यस, मुझे देख लेना बुक में, पीडीएफ मैंने भेजी थी आपको, फोटो के पेजेस भी तो भेज रहा हूं मैं लगातार, देख ले रहा है एक बार ना। ये जो चीजें हैं वो फर्स्ट डी एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट आपकी फर्स्ट डी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ई एफ जी जी तक है ये शायद, ये जल्दी जल्दी हम कवर कर लेंगे। फिर ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स की हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज, अगर आप ए अपॉन बी, जैसे अभी एडिशन में प्रॉपर्टीज थी वहां प्लस कर रहे थे, यहाँ इनका मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस का, यानी ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव लॉ, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, फिर इसका उल्टा सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी, ये एग्जाम्पल भी मैंने समझाया है, ये एसोसिएटिव लॉ है, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन एफ ये ब्रैकेट के अंदर, और ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई एफ अपॉन एफ ये ब्रैकेट के अंदर। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर ए अपॉन बी इंटू वन तो ए अपॉन बी ही आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बी अपॉन ए इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी, जैसे 5/4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 4/5, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज जो हैं एक बार याद कर लेना, और पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, थैंक यू सो मच।